नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चमोली उत्तराखंड ऋषिकेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जो आज की मेरी शेयरिंग है वो उन पौधों में है कि अभी जैसे मार्च का सीज़न चल रहा है, तो कौन से पौधे ऐसे हैं कि जिनकी आप कटिंग लगाएंगे तो एक तो उनकी कटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और उनमें जड़ें बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कुछ ही दिन पहले, तो देख रहे होंगे आप इन सकुलेंट्स में कितनी अच्छी जड़ें आ गई हैं, कितनी हेल्दी जड़ें हैं। तो आज की जो मेरी शेयरिंग है, आप मतलब ऐसे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, मैं उन्हीं सभी पौधों को आपके साथ शेयर करूंगी। वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं और पूरी गर्मी में आपके गार्डन को हरा भरा रखेंगे। तो देखो कितनी हेल्दी रूट्स आई है इसमें, ये देखो इसकी रूट्स आपको दिख रही होंगी, ये इसकी रूट्स हैं ये सारी, और ये सकुलेंट है। जबकि मैं आपको अभी और पौधे बताऊंगी कि वो कौन कौन से पौधे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं वो और कौन कौन से पौधे हैं। इसी तरह हमारे कॉलियस हैं, अगर जैसे गर्मी में आप मतलब फूल वाले पौधे पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो कॉलियस के बहुत सारे कलर वैरायटी आती है, उनमें आप लगा सकते हैं। तो एक ये देखो मैंने ज़मीन में लगाई है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक ये है और एक ये है यहाँ पे, ये देखो ये दोनों कटिंग्स मेरी काफ़ी हेल्दी हो गई हैं। और ये वाली कटिंग्स मैं अभी लेके आई थी कुछ ही दिन पहले पापा के यहाँ से, 1-2-3 कटिंग्स मैंने लगाई हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये हुई है कि नहीं हुई है, पर मैं देख लेती हूँ अगर हुई होंगी तो। हाँ देखो इनमें भी रूट्स आ गई, और अभी इन्हें मतलब 6-7 दिन ही हुए हैं लाए हुए। यहाँ देखो छोटी छोटी रूट्स आई हैं, बहुत ही छोटी छोटी। तो इस तरह से आप कॉलियस को लगा सकते हो, कॉलियस में बहुत जल्दी जड़ें बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ अभी कि अभी कोई पॉट खाली नहीं है, अभी मेरे विंटर के वो लगे हुए हैं, तो ये मेरे पास ज़मीन में जगह है तो मैं ज़मीन में ही रहने देती हूँ। कॉलियस बहुत जल्दी बढ़ता है और देखने में इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर। यहाँ देखो ये मेरा ये वाला कॉलियस कितना बड़ा हो गया है, बहुत ही बड़ा। दोस्तों सिंगोनियम भी उसमें से एक पौधा है जिसकी कटिंग आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास 2-3 तरह के सिंगोनियम है, तो ये मैंने कटिंग लगाई थी और देखो काफ़ी अच्छी हो गई। और मैं इसे अभी निकाल के आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो मेरे पास अभी कोई पॉट खाली नहीं है, तो इसलिए मैं इसको निकाल के नहीं बता रही हूँ। लेकिन ये मैंने कटिंग ही लगाई थी तो देखो कितनी अच्छी हो गई है और मतलब कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हुई है इसकी। तो सिंगोनियम भी अब इस टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है और मतलब इसकी छोटी सी भी कटिंग लगा लोगे आप, आपको कहीं भी, और ये पानी में और मिट्टी में दोनों में बहुत आराम से हो जाता है। और यह एल्युमिनियम प्लांट, इसकी भी देखो मैंने कटिंग ही लगाई थी, इसका मदर प्लांट मेरे पॉट में लगा हुआ है और एक मैंने कटिंग लगा दी थी, तो अभी इस कटिंग लगाए हुए थोड़ा ज़्यादा ही दिन हो गए हैं, तो देखो कटिंग कितनी बड़ी हो गई है। इसका मदर प्लांट भी मैं आपको बताती हूँ, इसके जो मदर प्लांट है अब इसके भी ग्रोथ का पीरियड है, तो आप इसको अभी लगा लोगे तो ये मतलब नर्सरी में शायद ही आपको 40-50 रुपये तक का मिल जाएगा। और देखो पत्तियों में कितना अच्छा वेरिएशन है, देखने में कितना खूबसूरत है। इस तरह से आप पोल्का डॉट की भी लगा सकते हो, मेरे तो बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं यहाँ, देखो बेबी प्लांट्स हो रहे हैं पोल्का डॉट के काफ़ी सारे। तो ये और यहाँ पे से ये इनमें से निकल भी रहे हैं, तो इनको भी मैं डिवाइड करके लगा सकती हूँ। तो पोल्का डॉट भी इस समय बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये सीड से भी ग्रो होते हैं। सीड इनके जो फूल, ये फूल आए हुए हैं ना बैंगनी बैंगनी फूल दिख रहे होंगे आपको, तो ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और मतलब देखने में इनकी पत्तियाँ खूबसूरत होती है। मेरे पास 2 तरह के हैं और भी कलर आते हैं पोल्का डॉट्स में, तो ये नर्सरी में ऐसे मिल जाते हैं 20-30 रुपए में और छोटी सी कटिंग से हो जाते हैं। और ये मेरा मदर प्लांट है उसका, इसी से मैंने कटिंग लेके लगाई थी, देखो यहाँ। और ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट तो आपको पता ही है कि कितने सारे उसमें आते हैं, ये जो पोथोज होते हैं, और ये एक पत्ती से भी हो जाता है और जहाँ पे इसके नोड एरिया है वहाँ पे इसे आप लगा सकते हैं। तो देखो मतलब कितने खूबसूरत लगते हैं, बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, इंडोर आउटडोर कहीं भी हो जाता है और पानी में मिट्टी में दोनों जगह हो जाता है, छोटी सी कटिंग से हो जाता है। और अब इतनी स्पीड से बढ़ेगा, इतनी स्पीड से बढ़ेगा कि पूछो मत। और मतलब देखो इसके आप और भी वैरायटी लेके आ सकते हो, मेरे पास 3 तरह के हैं ये। अब जब समर का टाइम चल रहा है तो स्पाइडर प्लांट भी मतलब अपने इतने बेबीज निकालते हैं, उनके बेबीज से आप स्पाइडर प्लांट्स को लगा सकते हो और ये मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, पानी में भी हो जाते हैं मिट्टी में भी हो जाते हैं, और बेस्ट इंडोर प्लांट है तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हो। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगी किसी डार्क प्लेस में ना रखें, ये हैंगिंग में भी खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे पॉट में भी हो जाते हैं और बड़े बड़े पॉट में भी हो जाते हैं, और अगर आप अभी लगा लोगे तो इतनी स्पीड से बढ़ते हैं बहुत, मतलब देखो ये इनके यहाँ पे से अब ये फूल आ रहा है ना ये, और यहाँ पे से इनके सारे बेबी प्लांट्स बनेंगे। आप इनको डिवाइड करके भी लगा सकते हो और बेबी प्लांट्स से भी लगा सकते हो।
इसी तरह ये वैंडरिंग जीव है, वैंडरिंग जीव भी बहुत स्पीड से बढ़ता है और अपनी बहुत छोटी सी कटिंग से हो जाता है। इस समय आप इसे लगा लोगे तो इतनी जड़े इतनी जल्दी अपनी जड़ों को फैलाएगा और बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा। देखो मेरा तो ये कहाँ जा रहा है, इसके लिए भी मैंने कोई एक आइडिया सोचा है। कुछ मैं इसको नीचे लटकने दूंगी और कुछ ऊपर पहुँचा दूंगी। इस वाले प्लांट का मुझे नाम नहीं मालूम है, तो ये भी मतलब बहुत छोटी सी, मैंने इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। मैं आपके साथ जो जो पौधे शेयर कर रही हूँ, मैंने कटिंग से इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। वैंडरिंग जीव भी मैंने कटिंग से ही लगाई है, इनमें से मैंने ये खरीदे नहीं है। तो ये छोटी सी कटिंग से, इसकी ये जो छोटी सी पत्ती दिख रही है ना आपको, इससे भी ये हो जाता है। और मैंने इसकी कटिंग जमीन में लगाई थी, जो मैंने आपके साथ सिंगोनियम प्लांट शेयर किया ना उसके बगल में, तो जमीन में तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है वैसे। और इस पर्पल क्रिपिंग इंच के तो कहने ही क्या है, इसकी तो पत्तियां जहां भी झड़ती हैं ये मतलब पूछो मत कि मतलब ऐसे बढ़ती हैं पूरे पॉट को भर लेती हैं। इसे तो आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हो। तो देखो मतलब छोटी सी उसके जहां पे झड़ती है, मैं बता देती हूँ, ऊपर वो है मेरे पॉट और नीचे देखो यहां पे गिर के अपने आप ही हो गई है। मैं इसको हटाती रहती हूँ, फिर कोई पत्तियां गिरती हैं और फिर हो जाती है। देखो ये मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं और अब गर्मियों में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, पूरे बास्केट को भर लेते हैं तो काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। और यहाँ पे अगला प्लांट है मेरा ये पर्पल हार्ट, ये भी मतलब काफ़ी खूबसूरत होता है, दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये भी मतलब ऐसे लटक जाता है तो बहुत छोटी सी कटिंग से हो जाता है। इसकी कटिंग्स मैंने और पॉट में भी लगाई हुई है और देखो इसका कलर कितना खूबसूरत है, बिल्कुल पर्पल सा। दूसरा पौधा भी दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने मतलब अभी कटिंग से लगाया है। दूसरा पौधा ये है जो मैंने कटिंग से लगाया है, देखो इसमें कितने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। छोटी सी कटिंग से बहुत अच्छा हो जाता है ये, यहाँ देखो। और अगला पौधा मेरा ये है मोस रोज और पर्सलिन, ये देखो ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनमें। यहाँ देखो ये बहुत ही सुंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है, इनमें थोड़ा कम हो रही है। ये मैंने थोड़ा बाद में लगाए थे, तो इनमें विंटर के फ्लावर भी लगे हुए हैं मेरे, और साथ साथ मैंने मोस रोज की कटिंग्स भी लगा दी और पर्सलिन की भी बहुत कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो ये मतलब बहुत ही स्पीड में ग्रोथ करने वाले प्लांट हैं। इसी तरह ये फायर क्रैकर्स भी है, ये फूल वाला पौधा है, ये भी अपनी छोटी सी कटिंग से हो जाता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है इस टाइम पे, और मतलब पूरी गर्मी बरसात आपके गार्डन को फूलों से भर कर रखेगा, तो आप इसे लगा सकते हैं। इसी तरह जैड है, जैड को भी आप, जैड तो वैसे कटिंग कभी भी किसी भी मौसम में लगा लो तो मतलब कभी भी हो जाते हैं और आप अभी भी लगा सकते हो, छोटी सी कटिंग से हो जाते हैं और बहुत स्पीड में बढ़ते हैं। मेरे जैड तो बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप, मैं जैड में काम कर रही थी, इनमें सारा खाद वगैरह डालने का काम कर रही थी। तो ये देखो जैड को भी आप कटिंग से लगा सकते हो उस टाइम पर, और ये मतलब बहुत ही दिखने में खूबसूरत होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आप इसकी टॉप आई रिबॉन चाहे कुछ भी बना सकते। और ये टैंगल हार्ट भी आपको कहीं मिल जाए तो छोटी सी कटिंग से मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं और हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये हैंग करते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको टैंगल हार्ट भी कहीं मिल जाए तो मतलब आप इसे लगा सकते हो, छोटी सी कटिंग से हो जाते हैं और बहुत स्पीड में बढ़ते हैं। इसी तरह बेबी सनरोज है, बेबी सनरोज को भी आप लगा सकते हैं और आप मतलब इसमें जो फूल खिलते हैं वो भी सुंदर लगते हैं बहुत देखने में, और ये भी छोटी से कटिंग से हो जाता है, मैंने तो एक प्लांट के साथ ही इसे लगाया है। इसी तरह ये बेबी टीयर्स हैं, बेबी टीयर्स को भी आप कटिंग से लगा सकते हो, ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। और मैंने आपके साथ अपनी हैंगिंग बास्केट भी शेयर की है, जो मतलब वो जो मेरी हैंगिंग बास्केट है उसी से ही मैंने कटिंग तोड़ तोड़ के इसमें लगाई है। ये देखो ये भी छोटी सी कटिंग से हो जाती है, और इसकी कोई छोटी पत्ती कहीं गिर जाए ना तो तब भी अपने आप भी हो जाती है। देखो मेरे कटिंग से मतलब कितने हेल्दी हो गए ये, और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाई थी, और यहाँ पे मैंने जैट की कटिंग्स लगा रखी हैं। ये इस टाइम पे कटिंग से लगने वाले पौधे में आप देख रहे होंगे ये टर्टल वाइन भी नंबर वन पे आती है, इसकी छोटी सी कटिंग्स आप मतलब लगा सकते हो। ये मेरी उखड़, ये चिड़िया आती है ना, चिड़िया वो तो वो इनको हटा देती है सारे प्लांट्स को। यहाँ देखो जो मैंने कटिंग्स लगाई थी सब उन्होंने, चिड़ियाओं ने उखाड़ दी हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इसकी तो कोई पत्ती कहीं पे गिर जाए तो तब भी हो जाता है, तो आप इसको लगा सकते हो। बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत जल्दी अपनी रूट्स बना लेते हैं। देखो ये वाले में अच्छी ग्रोथ हो गई है मेरी क्रिपिंग चार्ली की, ये अब मुझे इसे हैंग करना पड़ेगा वरना नेवले आके फिर इसे उखाड़ के चले जाएंगे। तो ये मतलब कितने मतलब अब बहुत स्पीड में इसकी ग्रोथ होगी और पूरी बास्केट को भर लेगा ये, तो इस तरह इसको भी आप लगा सकते हो। छोटी सी कटिंग से ये भी बहुत आराम से हो जाता है।
और इसी तरह ये प्लांट है देखो, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था तो थोड़ा छोटा था, और अभी ये 4 दिन बाद की इसकी ग्रोथ देख लो, मतलब कितना बड़ा हो गया है। और इसके जो पत्तियों में जाले से बने रहते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके फूल आते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। इसी तरह ये स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट की कटिंग तो नहीं लगती लेकिन ये पत्ती से होते हैं, और अब इनमें ये जो इनके बेबी पप्स निकलेंगे, तो अब इनके ये बेबी पप्स निकलने का सीजन है, तो ये 1 से 2, 2 से 4, मतलब बहुत जल्दी, इतनी जल्दी बढ़ते हैं, इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि पूछो मत। तो आप इनको भी ला सकते हो और एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। आप पेंसिल कैक्टस को भी लगा सकते हो इस समय, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर, और धूप से थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, और अगर धूप नहीं होती तो ये ग्रीन ही रहता, तो ये अपनी छोटी सी कटिंग से हो जाता है। तो आप इसको भी ला के लगा सकते हो, नर्सरी में आपको ये 20-30 रुपए तक का मिल जाएगा, और कहीं आपको अगर कटिंग मिले तो आप कटिंग ला के इसे लगा सकते हो। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, नाम कैक्टस है लेकिन इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते। इसी तरह ये वोट लिली रोही है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, और ये डिवाइड करके भी हो जाता है, और इस समय इसकी भी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। मैंने इसके कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट बनाए हुए हैं दोस्तों। वैसे कटिंग से लगने वाले इस टाइम पे पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ वही पौधे शेयर किए हैं जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और जिनमें बहुत जल्दी जड़े बन जाती है। वैसे तो आप इन साइकस को भी लगा सकते हो और भी बहुत सारे प्लांट को लगा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ वही पौधे बताए हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और आपके गार्डन को बहुत जल्दी हरा भरा कर देंगे, पूरी गर्मी जो आपके गार्डन को हरा भरा रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।